Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे कि हम लोग को आजकल के रीसेंट के रॉ के एपिसोड देख के पता चल गया है कि WWE वाले गए जो कि शिंजू के नाकामुरा और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की जो कि फ्यूड है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल गाइस, वो हमको अभी फास्ट लाइन तक एक्सटेंड होते हुए दिखने वाली है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि कौन हमको पॉसिबली है मैच में जीतते हुए दिख सकता है। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप WWE के बहुत ही बड़ा फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस, बात ऐसी है कि गाइस ये जो मैच है गाइस, ये दूसरा मैच होने वाला है इनके सीरीज का। और पॉसिबली गाइस, क्या WWE मैच में हमको एक ट्विस्ट दिखा गया शिंजू के नाकामुरा को दिला सकती है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जो रीसेंट में गाइस जो शिंजू के नाकामुरा का जो मोमेंटम है गाइस, वो हमको बहुत ही बढ़ते हुए दिखा है। तो क्या पॉसिबली यही चीज के वजह से हमको हिंट मिल रहा है कि शिंजू के नाकामुरा डिथ्रोन करते हुए दिख सकते हैं सेथ रॉलिंस को। सो गाइस, मुझे लगता है कि शिंजू के नाकामुरा कह दूंगा मोमेंट तो एकदम सही है, लेकिन मुझे लगता है कि WWE वाले भी गाइस यही सोच के बैठे हैं कि वो सेथ रॉलिंस को एक लंबा वाला रेन देने वाले हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ। और रॉ के जो रीसेंट एपिसोड देखे, मुझे लग रहा है कि WWE ने गाइस अभी अंडरसेट तय कर लिया है कि कौन वो बंदा होने वाला है जो कि सेथ रॉलिंस को डिथ्रोन करते हुए देख सकता है। और जो दो नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो है गाइस हील ड्रू मैकइंटायर, नहीं तो कोडी रोड्स। अभी हील ड्रू मैकइंटायर मतलब गाइस, अगर ड्रू मैकइंटायर का हील टर्न होता है और फिर वो सेथ रॉलिंस को फेस कर दे तो उनके चांसेस अच्छे खासे बनते ड्रू मैकइंटायर के कि वो हमको वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए देख सकते हैं। और कोई रोज तो आपको पता ही, अगर द रॉक वर्सेस रोमन का मैच हो रहा है तो डेफिनेटली वही बंदे हो सकते हैं जो सेथ रॉलिंस से चैंपियनशिप ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो बंदा शिंस के नाकामुरा होने वाला है, और तब तक मुझे लगता है सेथ रॉलिंस एटलीस्ट एक लंबा वाले रेन पे रहने वाला है और पॉसिबली रेसलमेनिया 40 तक भी रेन जाते हुए देख सकते हैं। इसलिए मेरा प्रेडिक्शन होने वाला है कि फास्ट लेन में हमको सेथ रॉलिंस जीतते हुए दिखने वाले और सक्सेसफुली उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाले। और गाइज, अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।